अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज 10 मुहर्रम है, जिस तरह के सभी मुसलमानों को पता है कि आज का दिन हमारे लिए कितना अहम है कि आज के दिन इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया था आज। तो इसी नस्बत से आज के दिन काफ़ी सबीलें वगैरह महफिलें वगैरह की जाती हैं, तो आज हम भी सबील लगाने लगे हैं। उसके लिए हम अभी लेने जा रहे हैं कुछ सामान सबील का, तो अभी वो लेने जा रहे हैं हसन बाहिर है, बार बार बातें दे रहा है, तो अभी जाते हैं सामान लेके आते हैं, आपको दिखाते हैं क्या सबील बना रहे हैं। तो बाकी आज महफिल है मस्जिद में भी, और कब्रस्तान भी जाते हैं लोग मिट्टी डालने के लिए, कब्रस्तान भी अभी जाना है, मस्जिद में महफिल भी है, और अभी सबील भी लगाएंगे तो आपको दिखाते हैं। तो चलो पहले सामान लेकर आते हैं, बताइए आ रहे हैं हम। अच्छा ये पानी भरा जा रहा है, अब हम बना रहे हैं ये इसका जी। तो भाई क्या कर रहे हो? अच्छा ये पानी अभी थोड़ा है, अभी और डालना है, बना रहे हैं स्कंजवी। पहले हम डालेंगे चीनी इसमें, इसको पहले अच्छी तरह इसका मिक्सचर कर लें, उसके बाद नींबू डालते हैं। ये है जी नमक, असम को बड़ा पसंद है नमकीन स्कंजवी। चल अगे करी जा। लाओ चीनी मैं मिक्स करता हूँ। अरे भाई मज़ा आ रहा है व्हील बनाने का, आदिल भी आंसर है। क्या हुआ है? लींबू का असर ये क्या किया, अंदर गिरा दिया है लींबू का छिलका। इसको बाहर निकालो बेटा। अच्छा जी ये हमारी स्कंजवी तैयार हो चुकी है, अब हम लाने लगे हैं बर्फ। बर्फ़ ला के और बाद में जाएंगे बाहर बांटने के लिए। चलो भाई बर्फ ले गया हो अंकल। अच्छा जी सबील वगैरह तो ख़त्म हो गई है, अब हम वापस आ गए हैं घर। तो अब हम कपड़े चेंज करके जाएंगे कब्रस्तान। तो अभी हसन घर गया और मैं भी कपड़े चेंज करने लगा हूँ, कपड़े चेंज करके जाने लगे हम कब्रस्तान। अब वहाँ जाकर देखते हैं क्या होता है। बाकी आपको जैसे पहले बताया अभी मस्जिद में महफिल भी है, तो अभी महफिल में भी आना है असर के बाद है, इतनी देर तक फारग हो जाएगा। अभी 3 बजे हैं तकरीबन, अभी कब्रस्तान चलते हैं, फिर आते हैं मस्जिद में, वो भी आपको दिखाते हैं, और कब्रस्तान का भी थोड़ा दिखाते हैं जाके आपको। तो चले चलते हैं। अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो दिल जानना भी करो भाई, अल्लाह की मोहब्बत भी सब कुछ डायरेक्टली भेजी, अल्लाह की मोहब्बत नबी पाक की अहले बैत के नाल होवे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला हज़रत इमाम हुसैन से पूछे कि आपने अर्ज़ किया इमाम हुसैन तुझे मेरे ना आप मेरी कुश्त पे अपने कदम रखो, अपने कदम मेरी कुश्त पे रखो। हज़रत इमाम हुसैन ने रख दिए। हज़रत अबू हुरैरा ने लबत फरमाया, आपने इरशाद फरमाया जुमला फरमाया, हुसैन अगर लोगों को तेरी फजीलत का पता चल जाए ना तो तेरे कदम जमीन के आने ही ना लोग तेरे अपने कंधे से चुके फिर दे रहे। अच्छा जी मासी जी आप वापस आ गए हैं,
तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। कब्रिस्तान पे गए थे, वहाँ भी बहुत काम किया और थक गए हैं, तो वहाँ पर भी मैं सही वीडियो नहीं बना सका। अभी मस्जिद से होके आए हैं, तो आज के लिए व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, और कमेंट लाजमी किया करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।